जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर सैन्य चौकियों पर गोलीबारी की है, जिसके जवाबी कार्रवाई में एक पाक रेंजर के मारे जाने की खबर आ रही है। बताया गया है कि सुबह करीब 9:35 पर पाकिस्तान की तरफ से हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ के बोबिया पोस्ट पर अचानक फायरिंग की गई, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक पाकिस्तानी रेंजर को मार गिराया है। हालांकि इस गोलीबारी में बीएसएफ के एक जवान गुरुनाम सिंह घायल हुए हैं। हाल ही में सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने 6 आतंकवादियों के एक दल की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से पाकिस्तान फायरिंग की आड़ में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। खुफिया विभाग ने भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ को लेकर अलर्ट जारी किया था। माना जा रहा है कि आतंकवादियों की इस घुसपैठ की कोशिशों में पाक सीमा चौकी से गोलियां दागी गई हैं। बहरहाल सीमा पार पाकिस्तान में मौजूद लॉन्चिंग पैड के आसपास आतंकवादियों की हलचल देखी गई है, जिसको लेकर बीएसएफ ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। देखते रहिए डीबी लाइव।